मशीन देख रहे हो ना भाई, ये 2010 मॉडल है और ये 2023 मॉडल मशीन है भाई। इस वाली भाई मशीन का एयर फिल्टर आप निकाल के साफ़ करके दोबारा से लगा सकते हैं, लेकिन भाई इस वाली नई वाली में आप इसका फिल्टर एयर फिल्टर नहीं निकाल सकते। इसका 1000 घंटे पे इसका रिप्लेस करते हैं, जैसे नया डालते हैं पुराने वाले को फेंक देते हैं। और भाई इसमें दिक्कत आती है ज़्यादा, अगर धूल मिट्टी में चलाते हैं ना तो भाई ये चोक हो जाता है। जब इसको अगर ज़्यादा धूल मिट्टी में चला रहे हैं भाई, तो इसको 500 घंटे पे ही सर्विस करवाएं, इसका चेंज करवाएं। तो इसका एयर फिल्टर जब चोक हो जाता है भाई, तो कैसे पता चलता है कि चोक हो गया है? तो भाई अंदर इसमें पीप पीप सी आवाज़ आती है और लिख के भी आता है एयर फिल्टर ब्लॉक। तो चलो दिखाते हैं अंदर कि कहाँ आता है लाइट। तो भाई लोग यहाँ आती है लाइट इसकी, एयर फिल्टर की। यहाँ लाइट आएगी और बी बी बीप सी आवाज़ भी आती है कि जो कि बहुत बुरी लगती है। और भाई इसमें ना कभी कभी लिख के आता है, कभी कभी आता है, हर टाइम नहीं आता है। जैसे एयर फिल्टर ब्लॉक लिखा आता है कभी कभी, हर टाइम नहीं लिखता इसमें। और भाई यहाँ लाइट भी जब दिखाता है ना, तो वो जब दिखाता है जब मशीन स्टार्ट रहेगी और इसलेटर का पॉइंटल दबाएंगे तब ये दिखाता है लाइट। तो मैं स्टार्ट करके फिर दिखा रहा हूँ आपको। देखो दिखा रहा है ना भाई, ये दिखा रहा है लाइट। ये पैडल दबा रहा हूँ भाई, ये 1400 आरपीएम से ज़्यादा होता है ना तो ये इसमें दिक्कतें आती है। और भाई ये टीटीसी बहुत तेज़ सी